साथ हैं। फिर भी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। फिर भी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। फिर भी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रदेश की चार चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी पूर्व सांसद, करोड़ों करोड़ों कमजोर मजलूम बेसहारा दिलों की आवाज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे बीच में पहुंच चुकी हैं। अब मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि उनका जोरदार शब्दों में स्वागत करें, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अब मैं गुजारिश करूंगा आगरा सुरक्षित लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती पूजा अमरोही, फतेहपुर सीकरी लोकसभा की प्रत्याशी श्री राम निवास शर्मा जी, हाथरस सुरक्षित लोकसभा के श्री प्रत्याशी हेम बाबू धनकर जी से कि वो तीनों मिलकर आदरणीय बहन जी के सम्मान में सोने का मुकुट पेश करें। अब मैं जानिश करूंगा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से कि वो आए और इस चुनावी विशाल जनसभा को संबोधित करें। आदरणीय बहन जी, बीएसपी की इस चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में व यहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी यहाँ सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। इस संबंध में यहां मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ने इस चुनाव में भी सर्व समाज के लोगों को टिकट बंटवारे के मामले में या देने के मामले में हमने उचित भागीदारी दी है। खासकर जो दलित वर्ग के लोग हैं या जो रिजर्व सीटें हैं, तो हमने रिजर्व सीटों पर भी अकेले एक ही कम्युनिटी के लोगों को नहीं, एक ही बिरादरी के लोगों को नहीं, बल्कि सूर कास्ट में जो विभिन्न जातियां आती हैं, तो उनको हमने चुनाव लड़ने का मौका रिजर्व सीटों पर दिया है। आगरा के लोगों को ये मालूम है कि जब इस चुनाव से पहले आपके उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडीज के चुनाव हुए थे और यहाँ मेयर का चुनाव हुआ, तो हमारी पार्टी ने अनुसूचित जाति में से एक वाल्मीकि समाज की महिला को मेयर के लिए चुनाव के मैदान में उतारा था। और आपकी ये आगरा रिजर्व सीट है,
तो आगरा रिजर्व सीट से, तो फिर हमने यहाँ पर तो जाटव समाज की महिला को चुनाव के मैदान में उतारा है। इसके नजदीकी ज्यादा दूर नहीं है, हाथरस लोकसभा की सीट है, तो वहाँ हमने धनगर समाज को जो अनुसूचित जाति में आते उनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है। आपके आगरा से लगी हुई फतेहपुर सीकरी की सीट है, तो यहाँ हमने अपर कास्ट समाज में से तो खास तौर से ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। तो इस प्रकार से हमने टिकट बंटवारे के मामले में सर्व समाज के लोगों को बीएसपी में जुड़ने की उनकी तादाद को ध्यान में रखकर हमने उचित भागीदारी दी। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से और यहाँ अपने क्षेत्र से तो लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को यानी कि कांग्रेस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी से काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवा हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग एक चौथाई हिस्सा कार्य भी नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी या इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर छूट देने व बनाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी
अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। हमारी पार्टी की रही सरकार ने तो किसानों को खेती करने के लिए समय पर इनको सस्ते साधन उपलब्ध कराए और इसके साथ ही तो इनकी फसल का भी हमारी सरकार ने उचित दाम दिया है, जो अब आपको ना तो यूपी की सरकार में ना केंद्र की सरकार में नेशनल लेवल पर किसानों को ये सब राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी हीन सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, जब यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में जो आरक्षण है इसको पूरे तौर से इसको खत्म कर दिया था। ये आप लोगों को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, जब इस मामले को हमारी पार्टी ने संसद में उठाया, एससी एसटी का जो पदोन्नति में आरक्षण है इसको प्रभावशाली बनाने के लिए संशोधन बिल लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया, तो उस समय सेंटर में कांग्रेस पार्टी पावर में थी, तो उस दौरान कांग्रेस और बीजेपी दोनों के मिली भगत से समाजवादी पार्टी को आगे करके इस बिल को पार्लियामेंट के अंदर फाड़ा गया। और इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी इन दोनों की मिली भगत से इस बिल को पास नहीं होने दिया और इतना ही नहीं, आज जो खास तौर से आरक्षण को लेकर जो किस्म किस्म की बातें कही जा रही हैं, एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को लेकर कांग्रेस भी लंबी चौड़ी बातें कर रही है, बीजेपी भी, जबकि ये दोनों पार्टियां एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ हैं। ये दोनों पार्टियां नहीं चाहती हैं एससी एसटी ओबीसी के वर्गों के लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ मिले। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है।
इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर या काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सा ही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर आए दिन मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुर्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे वीकर सेक्शन के लोग हैं या माइनॉरिटी हैं, अपर कास्ट समाज के लोग हैं, ये सभी लोग हमें काफी दुखी व परेशान नजर आते हैं।